लेकिन जाति आधारित जनगणना की मांग तो हम लोग यही थे ना। तो फिर हम लोग कहने न लगे भाई कि इसको ठीक से करिए और उसके लिए मांग करने गए थे। अपर कास्ट है या बैकवर्ड है या दलित है, मुस्लिम है, हिंदू, कोई भी है, अगर कोई खराब स्थिति में है तो उसके उत्थान के लिए भी तो काम आगे हम लोग करेंगे ना भाई। जाति आधारित गणना तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जाति आधारित जनगणना की मांग तो हम लोग यही थे ना। आज जो पहले से हो रहा था तो बराबर ना कहते हैं कि 2011 में मेन जनगणना के बाद फिर उसका एक काम किया गया, लेकिन वो तो जारी, उसको तो नहीं किया गया, चालू नहीं किया गया, इन्फॉर्म नहीं किया गया, जारी नहीं किया गया, उसके बारे में ये पता चला कि ठीक नहीं हुआ था। तो उसके बाद तो फिर हम लोग कहने न लगे भाई कि इसको ठीक से करिए और उसके लिए मांग करने गए। आप बताइए, बिहार का तो ऑल पार्टी, आप ही बताइए, कोई एक पार्टी थी, सारी पार्टियां का एक व्यू, और आप बोलिए हम लोगों का 19 में हाउस में यही थे जब उस समय अध्यक्ष स्पीकर थे, या दोनों हाउस में विधानसभा विधान परिषद दोनों जगह से पारित करते थे हम लोग कि होना चाहिए, असर्वसम्मति से होता था जी। तो हम लोग तो उसके पक्ष में ना है जी। तो उसके बाद जब वहाँ से हो गया कि ठीक है हम लोग तो नहीं करेंगे, आप लोगों को करना है करिए, तो उसी के आधार पर ऑल पार्टी मीटिंग करके ना किए हैं, और वही मीटिंग करके जो तय हुआ है और उसी के आधार पर अभी चल रहा है। और हम जा करके अपना जो था जाति आधारित गणना, तो हम अपना घर पर भी गए ताकि वहीं पर सब चीज़ को देखें, सब लोगों को कहे भी जो बात हुआ शुरू हो गया, तो उस दिन भी हम गए। आप सोचिए तो एक एक चीज के लिए सबको कह रहे हैं कि पूरा सबकी आर्थिक स्थिति भी अध्ययन करिए, ताकि हम लोग एक तो इसकी संख्या जानेंगे ही, लेकिन उसके अलावे कोई भी जात है, अपर कास्ट है या बैकवर्ड है या दलित है, मुस्लिम है, हिंदू, कोई भी है, अगर कोई खराब स्थिति में है तो उसके उत्थान के लिए भी तो काम आगे हम लोग करेंगे ना भाई। करने को तो कर ही रहे हैं, आगे भी करेंगे, इसलिए हम लोग करवा रहे हैं ना। और कई राज्यों से ये हमको बताया जाता है कि वो लोग देखना चाहते हैं कि कैसा आप कैसे कर रहे हैं, तो हमने कहा कि आप करिए, और करने के बाद जब पूरे तौर पर करिएगा तब उनको ठीक से बता दीजिए, तो इसीलिए हम कह रहे हैं। तो वो ही रहा सर, क्या 50% का जो कैप है रिजर्वेशन का, राहुल गांधी ने मांग किया, क्या अभी कहते हैं कि इसको हटा देना चाहिए जो 50% का कैप है? अभी तो कुछ भी कहना जी, हम तो पहले देखिए होने दीजिए। अब पूरे देश में हमको लग रहा है कि लोग करेंगे, तब केंद्र को भेज दिया जाएगा, हम लोग तो ही ना बार बार करेंगे, केंद्र को भेज देंगे हम लोग, तो फिर केंद्र का भी दायित्व तो होता है कि अब देखिए ना भाई, 10 साल पर होता था, हम नहीं ना हो रहा है, आज कवा साल हो गया बोलिए, 10 साल पर हर बार होता था, इस बार तो नहीं हुआ, 13 साल हो गया, नहीं हुआ अभी तक। तो अगर वो अब अगला बार करें तो बिल्कुल जाति आधारित जनगणना करा दें, अच्छा ना है। तो जब सब जगह का रिपोर्ट आएगा तो उनके आधार पर जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद ये केंद्र का काम है देखना करना,